अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या सारे भाई साहब खैरियत नाल हो? तुसीं देखियो देख रहे हो आफताब अजमत चैनल ते हुण असीं जा रहे हां जी मस्जिद आयशा। जिस तरह तुहानूं पता है कि असीं कल अलहमदुलिल्लाह एक उमरा कीता, हुण दूसरा उमरा अदा करन वास्ते जिहड़ा मस्जिद आयशा जा रहे हां। अलहमदुलिल्लाह जी मस्जिद आयशा पहुँचाए हैं। तुहानूं सभ नूं पता होना है कि जिस टाइम दूसरा उमरा करना हुंदा है ते शुरू करन दी पहले नीयत करन वास्ते इत्थे मस्जिद आयशा आवीदा ते उस दो नवाफिल पढ़ी देने तो उस तो बाद फिर जेड़ा तुसी जेड़ा है वो उमरा कर सकते हो। तुहानू सारा नाल नाल दिखाने इंशाल्लाह। यह देखो जी है मस्जिद आयशा है जिदे विच जाके नियत करी दी है ते नाल दो नवाफिल पढ़ी देने जेड़ा बंदा यह देखो जामियाल मोमिनीन इतने सारे जरा इतने आते हैं नीयत करने वास्ते। मैं नीयत करना नवाफिल पढ़ना फिर इंशाल्लाह तक दिखाना। मैं देखो जो है मस्जिद आयशा के अंदर इतने लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नवाफिल पढ़ने तो चले सीधा हरम उत्थे जाके जरा तवाफ कर मस्जिद आयशा। तो जिस तरह पहले तुम दस रहे कि जिस असी एक दिन पहले जोड़ा है वह उमरा कर लिया दूसरा उमरा करने वास्ते सानू जोड़ा है मस्जिद आयशा आना पे इतने आके नीयत की नीयत करके तो फिर जोड़ा असी हूँ जा रहे हैं हरम पाक उत्थे जोड़ा है जोड़ा तवाफ करा दे। ठीक है जी तेरे ही दर के पेर लगाता रहूं सजा। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी दिल झूम सजाएगा। मैं काबे को देखूंगा वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया गेट नंबर 79 विच इंटर होना है। जेड़े इब्राहिम अल इब्राहिम रोड पर आते हैं उन्होंने वास्ते बेस्ट है इस साइड पर आवन गेट नंबर 79 दे। ओ, देख सकते हैं कि केड़े गेट थी गेट नंबर 79 थी जरा से इंटर हो रहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा फिर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। गर तुम न सुनोगे तो लो जी काबे के बिल्कुल नजदीक लिफ्ट की थले लैन गया बहुत ही ज़्यादा रश
बहुत ही ज्यादा रस देख रही, बिल्कुल ऑलमोस्ट कमरे के सामने देख रही, कमरे के सामने बिल्कुल बस कमरे सामने कमरे की जा, सारे घर लोग कमरे की जा रहे सारे अरे तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर न करोगे तो कर। उन हतीम विच नवाफर पढ़न वास्ते असी लैंड चला गए हैं, ते काफ़ी देर तकरीबन आलमोस्ट सानू एक घंटा हो गया इस लाइन च लगे, अइए और अद्धा घंटा सानू लगेगा इस लाइन च, काफ़ी लोग जड़े ने इंतज़ार कर रहे हैं। तो हतीम वो जगह ये भी एक काबे का हिस्सा है, कुछ लोगों को पता है कुछ नहीं पता, एक काबे का हिस्सा है। तो जिन्हें हतीम के अंदर दो नवाफिल अदा किए समझो उन्हें काबे के अंदर नवाफिल अदा किए। अलहमदुल्ला जी, अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है कि अज हतीम के अंदर नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करिए उस काम में अल्लाह ताला सब न अपने कार दे विच बुलावे सब न। अलहमदुल्ला जी तवाफ कर लिया, नवाफिल अदा कर लेने, तो हूँ वारी है आबे जमजम पीन दी, आबे जमजम पी के बाद फिर सही करांगे सफा ते मरवा दी। कर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। देख रहे हो जी, आज सही दे दौरान बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही इंतहा रश है। दरअसल रमज़ान जरा स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी वजह से जरा ना बहुत ज़्यादा काफिले आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। देखो तुम दो दिन पहले इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रश है। सफा ती मरवा टोटल 7 चक्कर होंगे ने, पहले सफा ती मरवा तो फिर मरवा ती सफा, इस तरह 2 चक्कर बनने ने। अच्छा, जी पहाड़ी तुसी देख रहे हो ये मरवा दी पहाड़ी है, तो इस तो पहले जी तुसी जो तुसी स्टार्टिंग की थी वो सफा दी पहाड़ी है। अच्छा जी, सब तो एंड ते असी हुण हलक करवा लगे, हलक करवाने के बाद असी जड़ा एहराम दी पाबंदियां ती फारग हो जाने, तो साडा उमरा जड़ा वो मुकम्मल हो जाएगा। सब तो एंड ते जड़ा वो हलक करवाई दे। अलहमदुलिल्ला जी, इस तरह साडा उमरा जड़ा वो मुकम्मल हो गया। तुहानू वीडियो पसंद आई लाइक करियो शेयर करियो, तो जितने मेरे देखने वाले अल्लाह ताला इन्हां सब नू अपने घर आना नसीब फरमाए, जिहड़े अगे हो चुके ने अल्लाह ताला उन्हां नू बार बार अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन।